आजकल आपको पता है स्ट्रॉबेरी बहुत आई हुई है मार्केट में, तो स्ट्रॉबेरी जब मार्केट में आती हैं तो क्या होता है कि फिर कुछ थोड़े टाइम तक रहती है, उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी गायब हो जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब हमें कोई मीठा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, टिन वाली ख़रीदते हैं। जब टिन वाली ख़रीदते हैं तो आपने, मैंने तो जब भी टिन वाली एक से दो दफ़ा ख़रीदी थी उस, वो मुझे फेंकनी पड़ी, इसलिए कि वो इतनी काली इतनी बुरी हो जाती है, जो डस्टबिन में हमें फेंकनी पड़ती है, और महंगा भी 250-300 का वो टिन आता है, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल में और भी महंगा हो गया। तो उसको सेव किस तरह से कर सकते हैं, आप किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि जब आप निकालें तो आपको फ्रेश लगे। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी जार ले लें, ये तो मैंने तो कांच की बॉटल ली है, ये आपने इस तरह से कोई भी जार ले लीजिएगा या फिर कोई भी आपने बॉटल लेनी है। आपने स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छे से वॉश करना है, इसके ऊपर से पत्ते उतारने और इस तरह से आपने स्ट्रॉबेरी को डाल देना है, ठीक है। आप 4 से 6 महीने बाद भी आप निकालेंगे तो आपको इसी तरह से साबुत और फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिलेंगी, ठीक है। ये मैंने डाली स्ट्रॉबेरी, कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं, हम इसको बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक करेंगे, इसलिए कि हम इसमें कोई केमिकल डालेंगे। आपने डालनी है चीनी, ठीक है, रेगुलर आपने शुगर डालनी है। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाली स्ट्रॉबेरी को आप कोई मीठा बना रहे हैं उसमें बना रख सकते हैं, आप जैम बना रहे हैं या फिर आप आइसक्रीम बना रहे हैं उसके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बड़ी ज़बरदस्ती प्योरी तैयार हो जाती है। ये देखें, मैंने इसको इस तरह से डाली, और आप ओवरनाइट पहले इसको फ्रिज में रखिएगा, ठीक है। रात भर जब आप फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा शीरा बना देगी, शीरा छोड़ेगी, और फिर उसके बाद वो उसका एक शीरा जो बनेगा तो वही इसको प्रिजर्व करेगा, वो इसको ख़राब नहीं होने देगा। साफ साफ ले लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको वॉश कीजिएगा, इसलिए इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, ये ऊपर से हमने इसके ऊपर डाल देना है शुगर, ठीक है। आपने चीनी ऊपर से डालनी है, ये चीनी क्या होगी, सारी इसमें डिज़ोल्व होती जाएगी और इसका जो एक तरह से सिरप बन जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने खैर अभी आके की थी, मैंने सुबह मतलब जब लेके आई थी तभी मैंने इसके अंदर चीनी डाली, और चीनी जब ये देखें ये शीरा बन रहा जा रहा है, ये ऊपर तक जाएगा। और मैं आपको और भी बता देती हूँ कि जो चीनी का, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें ये चीनी जो मैंने डाली थी, ये देखें ये नज़र आ रही होगी आपको ये सारी, और ये इसका शीरा बन गया। सेम इसी तरह से ये भी यही होगी, ये सारी इसके अंदर मेल्ट होती जाएगी शुगर, और उसके बाद क्या होगा कि इसका शीरा तैयार हो जाएगा। और ये आप इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा, बर्फ़ में रख लीजिएगा, आप 4 से 6 महीने तक इस स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं कोई केमिकल या कोई किसी चीज़ डाले बगैर। तो ये थी हमारी आज की जो काम की बात, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा।